नमस्कार दोस्तों, आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे मैथ ट्रिक से। और मैथ ट्रिक में आपका रहेगा आज का टॉपिक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जी हाँ दोस्तों, नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ ऐसे ट्रिकी सवाल जिसे आप सिर्फ चंद सेकंड में हल कर सकते हैं। सिर्फ आप सवाल को देखेंगे और उस सूत्र को अप्लाई करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिना पेन और कॉपी के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे पहला सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर, रूट अंडर थ्री, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री। अगर ऐसा करके आपका सवाल है, उसमें कहीं पर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रूट अंडर थ्री, रूट अंडर थ्री, रूट अंडर थ्री, ऐसा करते हुए आपका अगर इन्फिनिटिव तक उसका मान दिया हुआ है, तो जो संख्या दिया हुआ है वही उसका उत्तर होगा। अगर 5 दिया हुआ रहता तो 5 उत्तर होता, यहाँ पर 3 दिया हुआ तो इसका उत्तर 3 होगा। अब दूसरा सवाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है रूट अंडर फाइव, रूट अंडर फाइव, रूट अंडर फाइव, ऐसा करते हुए लास्ट में भी रूट अंडर फाइव, और इसका मान इन्फिनिटिव तक नहीं गया है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको गिनना है कि कितनी बार संख्या का दोहराव हुआ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, 5 बार रूट अंडर में संख्या का दोहराव हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 पर पावर 5 का मान बैठाएंगे। तो अगर 2 पर पावर 5 का मान बैठाते हैं, तो 2 को पावर 5 से करते हैं, तो उसका आता है आंसर 32। तो हम क्या करेंगे, 5 लिख के और पावर में 32 - 1, 31/32 कर देंगे। उसका क्या करेंगे, 32 आया तो बट्टा में 32 रहे, ऊपर में पावर में 31 हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे। अगर ऐसा सवाल रहता है जो इन्फिनिटी तक नहीं जाता है लेकिन मल्टीपल में दिया हुआ है, तो 2 के पावर में अगर यहाँ 4 ही रहता, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15/5 पर पावर 15/16। अगर 3 ही दिया रह जाता तो यहाँ पर हो जाता 5 पर पावर 7/8। समझ गए बात को। अगला ट्रिक दिया हुआ है कि रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30, और ऐसा करते हुए सवाल इन्फिनिटी तक गया है। इस प्रकार के सवाल को आपको देखना है, जो संख्या दी गई है उस संख्या को आप उसका गुणज निकालें, और ऐसा निकालने के बाद लगातार संख्या में अगर उसका गुणज आ रहा है और मान अगर देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका मान प्लस में दिया हुआ है, तो जो बड़ी संख्या होगा वही उसका उत्तर होगा। जैसे 6 को 5 से गुना करते हैं तो 30 होगा, तो प्लस में दिया हुआ तो इसका आंसर 6 वाला होगा, 6 पंचे 30। उसी तरह अगर अगला सवाल दिया है रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72, और लास्ट में इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस में है, सूत्र वही अप्लाई होगा, बस क्या होगा, जो छोटी संख्या होगा वही आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 9 को 8 से गुना किया तो 9 8 72, तो यहाँ 8 छोटी संख्या, तो इसका उत्तर 8 हो जाएगा। इसको भी आप समझ गए, एक अगर प्लस में दिया हुआ है तो बड़ी संख्या को लिख देंगे आंसर में, और माइनस में दिया हुआ है तो छोटी संख्या को लिख देंगे, और देखेंगे कि लगातार किस दो संख्याओं का गुणनफल जो दी गई संख्या है रूट अंडर में उतना पुरता है। आइए अब अगला देखते हैं ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 5। रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 13, ऐसा करते हुए इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा संख्या है जिसका 2 लगातार गुणनफल नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, जो सूत्र होता है √4x + 1/2 + 1। अगर मान प्लस में दिया हुआ है, तो अगर √4x + 1/2 + 1, तो यहाँ पर x के जगह पर जो मान दी गई है उसको लिख देंगे, तो √4 × 13 + 1/2, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो √53/2 + 1 इसका आंसर है, √53/2 + 1। कोई भी संख्या अगर यहाँ पे 17 दिया हुआ रहता तो 17 चौका 68 = 69/2 + 1 आंसर हो जाता। वही सवाल अब आगे देख लीजिए कि माइनस में दिया हुआ है √11 - √11 - √11 इन्फिनिटिव तक दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, वही सूत्र अप्लाई होगा, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, √4x - 1/2। यहाँ आप दे रहे एक्स की जगह पर 11 है, तो 11 को 4 से गुना के 44 - 1/2 - 1, तो 44 × 1 = 43, √43/2 - 1 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल माइनस में दी गई है तो 4x - 1 कर देंगे, सवाल प्लस में दी गई है तो 4x + 1 कर देंगे। इस प्रकार के सवाल निश्चित रूप से रेलवे, एसएससी और बैंक में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको
पूरी तरह से रट ले, एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो दो बार तीन बार करके इसको आप समझ ले, और फिर समझने के बाद आप इस सवाल को एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक सवाल और यहाँ दिया हुआ है कि रूट अंडर फाइव प्लस, रूट अंडर फाइव माइनस, रूट अंडर फाइव प्लस, रूट अंडर फाइव माइनस, ऐसा करते हुए कहाँ तक गया है, इन्फिनिटिव तक। तो इस प्रकार के सवाल को हल करते समय क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रूट अंडर फोर ए माइनस थ्री बाई टू कर देना है। एक प्लस एक माइनस में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, रूट अंडर फोर ए माइनस थ्री बाई टू प्लस वन। तो यहाँ पर ए का मान 5 दिया हुआ है, तो 5 चौक 20 माइनस 3 बाई 2 प्लस 1, तो 20 में से 3 तो 17, रूट अंडर 17/2 प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। एक सवाल यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले प्लस में मान दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं कि पहले माइनस में मान दिया होता है। इस प्रकार के सवाल को हल करते समय वही सूत्र इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन लास्ट में -1 होगा, वहाँ पर लास्ट में +1 हुआ था। तो रूट अंडर फोर ए माइनस थ्री बाई टू माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ ये का मान दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 -3/2 -1, और इस प्रकार से 25, रूट अंडर 25/2 -1। इस प्रकार का सवाल यदि आपके पास रहता है तो आप इसको निश्चित रूप से इजी वे में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह ट्रिक आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।